ध्रुव के शक्ति नगर में पारिवारिक विवाद के चलते नानू निषाद के घर घुसकर हत्या कर दी। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने दोनों आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की देर शाम दुर्ग के शक्ति नगर में एक युवक के घर में घुसकर अज्ञात आरोपी ने हत्या करने का मामला संज्ञान में आया है, जहां घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा, नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन सहित मोहन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस को नानो निषाद की हत्या मामले में मोहन नगर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मृतक के भाई एवं उसके पुत्र को गिरफ्तार कर गौरतलब है कि पुलिस की जानकारी के अनुसार पता चला है कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी पूर्व में भी कई बार परिवार वालों से विवाद करता रहता था। साथ ही पुलिस ने भी बताया कि मृतक नानू निषाद आपराधिक प्रवृत्ति का था, उस पर कुछ मामले न्यायालय में भी चल रहे थे। शुक्रवार की शाम को नानू ने शराब के नशे में घर पर आया और अपने बड़े भाई श्री राम निषाद से घर के पट्टे की मांग करने लगा। जब राम निषाद ने पट्टा देने से मना किया तो मृतक विवाद करने लगा। इस पर हमाली कार्य करने वाले श्री राम निषाद एवं उसका पुत्र खिलावन निषाद ने नानू निषाद के गले में केबल वायर लपेटकर कस दिया। इससे नानू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ही आरोपी वहां से भाग निकले थे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच कर घेराबंदी करते हुए आरोपी राम निषाद और खिलावन निषाद को पकड़ लिया। मामले को लेकर एडिशनल एसपी ने मीडिया को जानकारी दी। ये थाना मोहनगर का है मामला है। इसमें पुलिस को कल शाम को सूचना मिली थी कि कोई जो व्यक्ति है एक मृत अवस्था में अपने घर में पड़ा हुआ है, तो पुलिस तत्काल वहां पे पहुंची और वहां पे जाने के बाद पुलिस ने उस घटनास्थल को अपने कब्जे में लिया और उन्हें विवेचना चालू की। और उसमें पता चला विवेचना के दौरान कि मृतक के बड़ा भाई और उसका जो भतीजा, मतलब बाप और बेटे, उधर मिलके पट्टे का विवाद हुआ उनके घर में पहले से चल रहा था जमीन के, तो इसी संबंध में कल भी उन लोग के बीच में एक बहस हुई थी, जिसके कारण उसी बीच में आवेश में आकर उन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। इसमें दो आरोपी हैं, मृतक का बड़ा भाई और उसके बड़े भाई का एक लड़का है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।